तो जानलेवा कोरोना वायरस के कहर के बीच देश में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने के साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, जम्मू समेत देश के कई बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही है। इन शहरों का अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग ने आगाह किया कि देश के कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को तो पारे 46 का काटा तक छू चुका है। रेड अलर्ट लोगों को आगाह करने के लिए जारी किया गया। वो दोपहर में 1 बजे से शाम 5 बजे तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उस वक्त धूप की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 28 मार्च तक गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। तो भयंकर गर्मी से देश की राजधानी दिल्ली तप रही है। पालम में तो सोमवार को पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इस सीजन में इस वक्त भयंकर गर्मी रहने की उम्मीद है। भयंकर लू चल रही है, जिससे राहत मिलने की संभावना अगले 2 दिन तक तो नहीं है। दिल्ली में अब बहुत से दफ्तर खुल चुके हैं, बहुत से बाजार भी अलग अलग फॉर्मूलों पे खुल चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर आज भी कर्फ्यू लगा हुआ है। और ये कर्फ्यू है गर्मी की वजह से, क्योंकि दिल्ली में हीट वेव कंडीशंस है और उसकी वजह से जो टेम्परेचर है, जो पारा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज भी मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान दिल्ली का 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। और आने वाले 2 दिनों में कम दिल्ली के लोगों को इस गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 तारीख को डस्ट और थंडर का जो प्रडिक्शन है वो किया गया है, जिसके बाद जो टेम्परेचर है उसमें कमी ज़रूर आएगी और तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। जो रेन का प्रेडिक्शन है, बारिश का जो प्रेडिक्शन है मौसम विभाग की तरफ से, वो 31 तारीख का है, यानी 31 मई को बारिश हो सकती है। लेकिन बारिश की जो संभावना है वो बेहद कमज़ोर है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 से 30% जो आसार हैं सिर्फ वही ये बताते हैं कि दिल्ली में बारिश आ सकती है 31 तारीख को, लेकिन अगले 2 दिन आपको गर्मी इसी तरह से झुलसाती रहेगी और आपको इसी तरह से मजबूर होना पड़ेगा अपने घरों के अंदर बैठने के लिए। हालांकि ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से तेज़ी से फैल रहा है, उसमें भी ये ज़रूरी है कि आप घर से कम ही बाहर निकलें और ज़्यादा वक्त अपने घर के अंदर सुरक्षित रहकर ही बिताएं। और मौसम विभाग की तरफ से भी यही कहा गया है कि इस गर्मी को देखते हुए आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली NCR में हीट वेव कंडीशन है और उससे अगले 2 दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यानी अभी आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी आपको घर से बाहर निकलने नहीं देगी। रूफी जैदी, जी मीडिया दिल्ली। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में गर्मी लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है। तेज धूप, तपन और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। प्रयागराज, बांदा और मथुरा समेत कई जिलों में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। राजधानी लखनऊ में भी गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में हीट वेव चलने का अनुमान लगाया है। हीट वेव यानी गर्म लू के थपेड़े चलेंगे और टेम्परेचर भी 45 के पार जाएगा कई शहरों में। उत्तर प्रदेश के पूरे जो ईस्ट और वेस्ट का क्षेत्र है, उनके कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। लोग इस समय भी जो है लॉकडाउन 4 की स्थिति में भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो फ्रिज, AC, कूलर के साथ साथ जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं पानी के, घड़ों का प्रयोग कर रहे हैं इस तरीके से, और ये भी इनकी भी बिक्री बढ़ गई है। AC की बिक्री भी बढ़ गई है, लेकिन जो पंखे और निचले तबके के लोग थे, क्योंकि बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ है, तो उनकी जो बिक्री है उसमें कमी आ गई है। जो सड़क के किनारे इस तरीके से बड़ी संख्या में जो मटके हैं, घड़े हैं, ये बिक रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा, यानी जो टेम्परेचर है कई जिलों में 45 के पार जाएगा। लखनऊ में भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। गर्म लू के थपेड़े यहाँ भी चल रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ भी 43 और 44 के पार जाएगा आज का और अगले 2 दिनों में भी। लखनऊ में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। अपने कैमरा सहयोगी संदीप बड़ोला के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया लखनऊ। महाराष्ट्र में भी गर्मी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। शनिवार को
अकोला में पारा 47.4 डिग्री जा पहुंचा। लोगों का कहना है कि 10 साल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी। आपको ये भी बता दें, विदर्भ के चंद्रपुर शहर में भी आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी के आगे कूलर एसी भी जवाब दे चुके हैं। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में गर्मी का प्रकोप शुरू है और 46 डिग्री के ऊपर पारा चले गया है। दो दिन से 46 डिग्री के ऊपर पूरे विदर्भ में तापमान जा रहा है। हम देख सकते हैं, एक तरफ कोरोना का संकट है और दूसरी तरफ ये गर्मी बढ़ते जा रही है, उसका प्रकोप बढ़ते जा रहा है। पुलिस कर्मी अपने गश्त पे लगे हुए, पिछले दो महीने से लॉकडाउन के वजह से, कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन की वजह से अपनी गश्त शुरू है, लेकिन अभी उनके ऊपर भी दोहरी मार हो रहा है। और एक तरफ वो कोरोना से बचने के लिए लोगों को समझाते हुए कि घर के बाहर ना निकलिए, और उसके बाद अभी ये गर्मी का प्रकोप शुरू होने के बाद वो लोगों को समझा रहे हैं। अपने पास कुछ पुलिस कर्मचारी हैं, उनके लिए खास टेंट भी बनाए गए गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि 46 डिग्री के ऊपर ये टेम्परेचर पहुंचते जा रहा है। बहुत धूप लग रही है, बहुत उष्णता बढ़ गई है। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से लोगों से समझाते हो? लोगों को यही समझा रहे हम कि आप अपने घर में रहो और कोरोना से लड़ाई करो। हम इतने धूप में 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है, फिर भी लोगों को समझा रहे हैं। और 10-10 मिनट में हम पानी पीने ले जा रहे हैं, स्वयंसेवी संस्था वाले हमको फूड या ड्रिंक्स, वाटर, एनर्जी वाटर, ये सब सप्लाई करते हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरह से पुलिस कर्मी अपने कर्तव्य बजा रहे हैं। और बहुत धूप है, पिछले 2-3 दिनों से ये 46 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर, और आगे आने वाले कुछ दिनों में ये सूर्य का प्रकोप इसी तरह से रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट रत्नशील के साथ अमर काणे, नागपुर। तो जम्मू में भी गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है, गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं, पारा लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है। जम्मू में पिछले कुछ दिनों से भारी गर्मी पड़ रही है, पारा है कि नित नई उछाल पकड़ रहा है। 42 डिग्री से पार इस समय जो है पारा चल रहा है, और बाजारों की रौनक जो कुछ दिनों पहले जो है वापस लौट आई थी, वो अब फिर से गायब होना शुरू हो गई है। सुबह के 10 बजते बजते बाजार जो हैं सुनसान हो जाते हैं, और जो मार्केट्स जो हैं लॉकडाउन के बाद जो जिनको राहत मिली थी दुकानें खोलने की, वो मार्केट्स जो हैं वो वीरान दिखाई देती हैं। जैसे लगता है कि लॉकडाउन जो है अभी तक जो है पूरी तरह से जारी है, उनको जो राहत मिली है वो भी ख़त्म हो गई है। गर्मी का आलम ये है कि मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो है कुछ दिन जो है मौसम में कोई ऐसी राहत मिलने वाली बात नहीं है, और मौसम जो है वो जो है 45-46-47 डिग्री तक का जो है पारा यहाँ पे जम्मू में जा सकता है, क्योंकि अभी मई का आखिरी महीना जा रहा है, मई के आखिरी दिन है, और उसके बाद जो है अभी जून का पूरा महीना है और जुलाई में जम्मू में मानसून आता है। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं अभी से ही। हालांकि जो इस समय जो है अनशेड्यूल पावर कट हैं, उनकी वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जो हैं घरों में ही रह रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग जब बाहर भी निकलते थे तो वो अपना प्रोटेक्शन जिस किस्म के लिया करते थे, और साथ में जो है कहीं पे वाटरमेलन की रेहड़ियाँ हुआ करती थी, कहीं पे जो है लोगों को गन्ने के रस की रेहड़ियाँ मिलती थी, नींबू कंजमी सब मिलता था। अब चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे रेहड़ी भी दिखेंगी, आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ग्राहक नहीं है। यहाँ पे गर्मी का जो आलम है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनका कहना है कि बारिश जल्दी से जल्दी आए ताकि गर्मी से उनको राहत मिले। कैमरामैन मानिक।